इस वीडियो में मैंने माइनक्राफ्ट में ऐड करे बहुत ही खतरनाक एनिमल्स, लाइक जब नॉर्मल वर्ल्ड में रात होती है क्या आते हैं ज़ॉम्बी, स्केलेटन, क्रीपर, लेकिन अब से आएंगी भूत, राक्षस, बिच्छू और भेड़िया। तो रात में सर्वाइव करना तो एकदम मुश्किल है, लेकिन दिन में भी भाई टाइगर, लायन, बर्ड और भी डिफरेंट एनिमल। तो देखो यार, रात तो रात, लेकिन दिन में भी सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। तो आज इन्हीं लोगों के साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जंगल सर्वाइवल सीरीज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो भाई नामकरण हो जाए। कलयुग, कल का युग कलयुग है, फिर आज का युग भी कलयुग, फिर परसों का क्या है? ओके गाइस, तो मैं अपने वर्ल्ड में स्पॉन हो चुका हूँ, और एक सेकंड भाई, मैं तो जंगल में स्पॉन हुआ हूँ, मतलब मेरे जैसी किस्मत किसकी हो सकती है यार। मतलब यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन मैं इनमें से एक भी पेड़ नहीं काटूंगा। मैं काटूंगा ये यूनिक वाला पेड़, क्योंकि बूढ़े तो एक ही है, लेकिन ये बेचारा सिंगल है ना। यार एक क्राफ्टिंग टेबल जल्दी से मैं बना लेता हूँ, कुछ स्टिक्स एंड सिंपली हम एक पिकैक्स बनाएंगे, ज्यादा वुड वेस्ट नहीं करनी। वैसे माइनक्राफ्ट में वुड अनलिमिटेड है, लेकिन कंजूसी नाम की भी हद होती है ना। ओके, तो अभी मुझे करना है थोड़ा बहुत वुड, समझ रहे हो? हेलो काऊ, बाय काऊ। अरे अभी ये तो भाग रही है, हरकतें देखो इसकी तुम। भाई मैं तो छेंक के मारूंगा ये ले। यहाँ पे ये व्यू देखो तुम लोग, मतलब किसी की भी सेटिंग होगी वो यहाँ पे उसको लेके आ सकता है। बस मैं ही सिंगल रह गया पूरी जिंदगी में। एक काऊ मुझे यहाँ पे दिख रही है, इस काऊ को मुझे मारना पड़ेगा। हेलो काऊ, बाय काऊ। अबे ये ले। अरे जंगल का एक फायदा यार, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में वाटरमेलन मिलते जाते हैं, मतलब थोड़ी देर में खाने का जुगाड़। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे फूड कलेक्ट कर लिया है, बट वेट, ये क्या है? कौन है अभी तू? एक सेकेंड गाइस, ये तो टर्टल है भाई। ये टर्टल यहाँ पे क्या कर रहा है? ये उल्टा हो गया। अबे सीधा हो जाए, मैं थोड़ी मार रहा हूँ यार। अरे सीधा हो गया, ये तो सीधा ही नहीं हो रहा तेरी। अब मारने का मन नहीं था, वो गलती से मर गया। आई थिंक अभी ना मुझे थोड़ा सा स्टोन कलेक्ट करना चाहिए, मैं थोड़े से टूल्स बना लूंगा, और वो क्या बोलते हैं खाना पकाने का चूल्हा भी बनाना है मैं। तो मैं बनाऊंगा एक सॉर्ड, एक पिकैक्स, एक एक्स और एक चूल्हा, बोले तो फर्नेस। वैसे एक सेकेंड, ये मेरे ऊपर क्या है? देखा मैंने ऊपर, ये तो शेर है। ये शेर नीचे दिख रहा है, इसका मतलब ये मुझे मारने की फराक में, लेकिन ये नीचे नहीं आ पा रहा। इससे पहले नीचे आके ये मेरी ले, मैं भाग लेता हूँ यहाँ से। भाई जंगल में अलग ही लफड़े हैं, शेर घूम रहा है यहाँ पे, शेर वो भी काला शेर। बताओ कभी मैंने काला शेर नहीं देखा, रंग बिरंगे शेर तो ठीक है, काला शेर कौन है बे तू? आंखें देखो इसकी। अरे अरे मार रहा है तेरी बहन, मार मार कैसे रहा है तू साले हराम खोर, तेरी बहन भाई। क्या बच्चे लड़ेंगे मुझसे भाई, समझाओ इन्हें। देखो यार ये गेम बहुत बदमाश है भाई, अभी थोड़ी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने गेम स्टार्ट किया और रात होने वाली है, तू कौन है बे? तो अभी ना मैंने यहाँ पे एक झोपड़ी बना ली है, क्योंकि रात को मैं यहाँ पे स्टे करूंगा, और यहाँ पे से मैं एक काम और कर सकता हूँ। वो काम ये है कि यहाँ से मैं ज़ॉम्बी को देख सकता हूँ, समझ रहे हो? तो अभी यहाँ पे कोई यूनिक ज़ॉम्बी तो दिख नहीं रहा मुझे, यहाँ पे कैसे ज़ॉम्बी है यहाँ पे कोई यूनिक? ये देखो ये कुछ यूनिक आइटम है, बट पता नहीं ये कौन आइटम है। वहाँ पे देखो किसी की पूंछ, तो यहाँ पे ज़ॉम्बी तो खतरनाक है, लेकिन अभी तक दिख नहीं रहे बस। वो देखो भाई सामने बिच्छू है, और एक डिफरेंट कोई ठिनगा आदमी है, और ये देखो भाई भूत। भाई क्या लग रहा है, लाल आंखें और पैर तो है ही नहीं इसके, लंगड़ू। वैसे अच्छा हुआ इसको ऊपर आ रहा है ये तो। एक सेकंड भाई, ऊपर तेरी बहन की बात, ऊपर आएगा ऊपर, निकल बे भाई। ये क्या भूत है, वो उसको पहले रास्ता नहीं दिख रहा था, फिर वो मेरे पास उचक के आया। ओके गाइस, तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, भेड़िया मेरे पीछे पड़ चुका है। नहीं बे, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मैं ऊपर बैठा हुआ था, उसने पीछे से पील दिया मुझे। अब इससे पहले वो आए मुझे जल्दी से ऊपर जाना पड़ेगा, रुक जाओ यहाँ से। ये अबे चढ़ ना, ओए नीचे नहीं। अब गया भाई मैं जी, ये गेम भी क्रीपर भी है बैठ गया। क्या क्या है यहाँ पे, ऊपर अबे ऊपर चलना आराम खोर, ऊपर ओके अबे चलना भाई। अबे ये तो दोनों यहीं पे आ रहे हैं, झोपड़ी में घुसने का फायदा नहीं, मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। अबे कहाँ फंस गए इन लोगों के चक्कर में, इतना अच्छा घुसा था। तो अभी ना यहाँ से वो लोग चले जा चुके हैं, नहीं यहीं पे है, रुक जा। अब साले अब कौन आएगा, बड़े तेज बन रहे थे भाई, मैं ऊपर चढ़ गया। ये देखो मैं ऊपर आया नहीं, मुंह मारने आ गया पहले तक। भाई वो देखो वहाँ पे भेड़िया घूम रहा है, वहाँ पे डिफरेंट एनिमल भी है, मतलब ज़ॉम्बी भी है, और मैं यहाँ पे ऊपर बैठा हुआ पूरी रात, मेरे को यहाँ पे बैठ के ऐसी तैसी करवानी है और खाते रहने बस। ओए तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, इतने सारे लोग, भंडारा हो रहा है। तो यहाँ पे ना गाइस वो देखो सामने शेर, भाई वो शेर है नीचे। हाँ भाई हेलीकॉप्टर कौन है तू? तो अभी ना मुझे माइन में जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चाहिए आयरन, उसके बाद हम अपना बेस बनाएंगे। तो मैं इसी वाली माइन में चलता हूँ, यहाँ पे देखो आयरन तो मिल ही जाए। मैं नहीं जा रहा वहाँ पे भाई, क्या है माइन, मुझे चाहिए नहीं आयरन, मैं नहीं जाऊँगा, डरा नहीं हूँ मैं। तो अभी ना मैं यहाँ से दूसरी वाली माइन में जाऊँगा, मैं थोड़ा वुड कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। तुम्हें ये नहीं समझना, तुम ये मत समझना कि मैं डर के आया हूँ। देखो यार डरने वाली बात नहीं है, घर वाली बात है, लेकिन वुड भी जरूरी है। हाँ भाई खरगोश,
तो यहाँ पे मुझे बड़ी वाली माइन मिल चुकी है। यहाँ पे देखो कोल दिख चुका है, तो यहाँ पे आयरन मिल ही जाएंगे। तो मैं पहले कोल कलेक्ट करूंगा, तो देखो यहाँ पे कोल मिल चुका है मुझे। तो ये पिकैक्स से मैं सिंपली कोल को तोड़ के घुसा लूंगा, मतलब तोड़ के रख लूंगा। ये आगे कुछ स्टिक्स एंड ये बना ले मैंने टॉर्चेस, टॉर्च अंधेरे वाली टॉर्च। अभी मैं आ चुका हूँ माइन में, और माइन में देखो बहुत बड़ी माइन, ये तो शुरू होते ही खत्म है बैंड की आंख। भाई देखो मैं वापस उसी माइन में आ चुका हूँ, यहीं पे जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे कुछ मिला नहीं है। तो यहाँ पे ये भी शुरू होते ही खत्म है, बताओ कैसी माइन है यहाँ की, भाई कुछ है ही नहीं ढंग का। भाई ये क्या है बे, ओ भाई ये लोग तो मार रहे, रुक जाओ भागना पड़ेगा। अबे यार कहाँ फंस गए इन लोग चक्कर में, इतना अच्छा घूम रहा था यहाँ पे तुम्हारी भैंड की, रुक जाओ। अरे अरे नहीं नहीं भाई प्लीज, नहीं 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 भाई प्लीज, मर गया अब तो मर गया, रुक जाओ। आजा भाई आजा तू भी आजा भाई, देखता हूँ कितने प्रो हैं। एक गया, तू क्या देख रहा है नूब कहीं का। भाई वो लोग दो होके मुझे अकेला नहीं मार पाए, बताओ। अबे तू कहाँ आ रहा है बे, पागल है क्या तू यार, मुझे तो लगता है मुझे यहाँ पे पूरी रात। बट एक सेकंड, ये पीछे क्या है? अबे ये तो राक्षस है भाई, गाइस ये राक्षस, मतलब राक्षस भी आते हैं यहाँ पे, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन अगर उसने मुझे देख लिया ना भाई, फिर तो मौत है। अबे यार इनकी हरकतें देखो तुम। तो अभी ना सुबह हो चुकी है, और मैंने डिसाइड किया है कि मुझे बनाना चाहिए अब अपना बेस। तो मैंने डिसाइड किया है कि पीछे तुम्हें ये जो एरिया दिख रहा है, तो मैं इस एरिया को पहले साफ करूंगा, फिर फ्लैट करूंगा, और इस एरिया में मैं बनाऊंगा अपना, मैं जो भी बेस बनाऊंगा वो यहीं पे बनेगा। तो मेरा डिसीजन, फाइनल डिसीजन यही है कि बेस यहीं पे बनेगा। तो देखो यार बारिश भी बंद होगी, बट एक सेकंड ये क्या है? हेलो, अबे कौन है बे तू, चिलकुट कौन है तू? और ओए ये तो मारता भी है, रुक 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 रुक, छोटे नवाब भाई, छोटा होके मार रहा है कुछ भी। ये कौन है? हेलो, अरे अरे ओ अरे मार क्यों रही है तेरी। तो यहाँ पे मुझे ना स्टोन मिल चुके हैं। तो देखो हमें अपना बेस बनाने के लिए बहुत सारे स्टोन चाहिए। तो लगभग अगर मैं काउंट करके बताऊं तो मुझे चाहिए कम से कम 2,000 से 3,000 स्टोन। भाई हालत खराब होने वाली है। तो जितने भी स्टोन है, पहले मैं स्टोन कलेक्ट करता हूँ, फिर बेस की डिजाइन बनाता हूँ, फिर मिलता हूँ तुमसे। ओके गाइस, तो बहुत देर के बाद मैंने पीछे देख रहे हो पूरा एरिया पहले साफ किया, फिर एकदम उसको फ्लैट किया, और फिर मैंने अपने बेस की डिजाइन बना लिया। एंड अभी मैं बनाने वाला हूँ अपना बेस, तो पहले मैं बेस बना के आता हूँ, फिर मिलता हूँ यार। 2,000 years. ओके गाइस, तो फाइनली मैंने बना लिया अपना एक तगड़ा सा बेस। तो क्या तुम लोग रेडी हो? 3, 2, 1, ये देखो भाई मैंने बनाया एक बहुत तगड़ा कासल, जिसको बनाने में ना भाई हालत खराब हो गई, और तुम लोग देख ही सकते हो ये कितना तगड़ा लग रहा है। तो पहले तुम लोग देखो, एंड अभी बार ये कासल की मेन जगह जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ, ठीक है? तो इसको डोर को ओपन करो, और यहाँ पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, एक छोटा सा रूम है, एंड एक छोटा सा रूम इस साइड है, यहाँ पे हमारी चेस्ट वगैरह रखी जाएंगी, एंड एक रूम इस तरफ है, यहाँ पे भी चेस्ट वेस्ट रखेंगे, और यहाँ पे पीछे बैलकनी, ठीक है? यहाँ पे पीछे पहाड़ का और जंगल का व्यू आता है तगड़ा वाला। एंड जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी एक रूम है, यहाँ पे हम कुछ भी देखो डिसाइड तो नहीं है लेकिन करेंगे। एंड इसके ऊपर सॉरी गलती हो जाती है पहले भी, इसके ऊपर एक रूम और है, यहाँ पे हम एंचेंटेड वगैरह करेंगे, ठीक है? तो यार कुछ ऐसा ही था हमारा कासल, मैंने तुम्हें स्पीड में थोड़ा बहुत टूर दे दिया। तो अगर तुम्हें ये कासल पसंद आया ना, तुम लोग इसको 10 में से रेटिंग देना तुम्हें कितना पसंद आया, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही तगड़ा होने वाला है। सो बाय।